ये कौन सी ये दाल? है धुली दाल। ये पकौड़े वाली कड़ी ना। आओ केला रा केला। ये है इनका बोक। पीछे करीब 8 किलोमीटर दूर से आया मैं इस पहाड़ी के ऊपर से, और यहाँ पहुँच गया। देखिए इतना कच्चा रास्ता है दोस्तों कि क्या ही बताऊँ मैं। ऑयल लीक हो रहा था यहाँ से, लेकिन खड़ी कर दी मैंने। भेड़ पालक तो पता नहीं कहाँ जैसे हैं। मैं करीब 500 मीटर नीचे चला गया था, आवाज़ भी लगाई उनको, कोई नहीं सुनाई दिया। गोप्रो को बंद करके डालता हूँ इस बैग में और फिर निकलता हूँ यहाँ से, क्योंकि इलाका सेफ़ नहीं है, जंगली जानवर बहुत घूमते हैं यहाँ पे। तो मिलते हैं फिर आपसे। दिन में 3 बजे के करीब मैं उस जंगल से पहुंच गया था अपने घर में, और हमारे पड़ोस में ही शादी लगी है, तो वहां से मैं देखिए सब्जियां ले आया बिलासपुरी धाम भेड़ पालकों के लिए। हमारे गांव के पास भी बैठे हैं, तो चलते हैं इनके पास अभी। हाँ चलो तू चला, चलो आ जाओ, चलो आ जा। ठीक हो दादी जी? ठीक है ठीक है। जब आप मंडी में मिले थे तब आपके माता जी नहीं थे साथ में, है ना? ये तो अभी 2 दिन हो, ये 2 के 1 दिन हुआ। 1 दिन पहले आए? हाँ वो 1-2 दिन। वो जो इनकी जगह पे थे नौकर, वो कहाँ गए? वो यार उसका सड़ा तोड़ गया, वो घर को चला गया। अच्छा, पाँव में लग गई? हाँ पाँव में लगी उसके। अच्छा, ओ इनको भी ठंड लग रही है। वो कहाँ पाया था कैमरा? कैमरा वो दिन में ही काम होता है, रात को? रात को फोन से, उसमें फ्लैश नहीं है ना। अच्छा गोप्रो है वो। फोन कितने के लिए थे? ये साथ में सोती है, साथ में सोती है। कोई नीचे बैठने को चाहिए इसको, मतलब नीचे बैठने वाला चाहिए इसको, तब बैठती, ऐसी नहीं बैठती कोई, मतलब जैसे बोरी बारी बोरी हो, पट्टू हो, कोई चीज हो। अच्छा, पिछले साल मैंने अपने गांव में दिलवाया था आपसे एक। इनकी उम्र का है वो छिलू लिया था गांव में। इतना? हाँ इतना तो नहीं है, वो इससे छोटा है थोड़ा। ये देखिए इनका बड़ा बकरा बोक। चोर बड़े थे? हाँ जी। कब? पिछले साल। कहाँ जैसे? वो नीचे पंचायत से निकली साइड, कुत्ते ने मतलब उसको, कुत्तों ने डरा दिया, डरा दिया उसको, फिर भाग गया था। अच्छा, बड़ा हाइट में था ना पूरे, हम बहुत नीचे थे। आपके गेड़े नहीं आया हुआ ना? वो गेड़े आते तो उसकी याद की तरफ नानी याद आ जाना था उसको। ये है 22 दिन की इनकी फीमेल पपी। जब 1.5 महीने पहले मैं इनके डेरे में गया था तब ये छोटा सा था, लेकिन अब देखिए 5 महीने में कितनी अच्छी ग्रोथ है इसकी। बाकी ये भी इन्होंने खुद के लिए रखी है, ये देखिए अगली साल के लिए जोड़ा हो जाएगा है। ये है इनका सबसे बड़ा मेल डॉग भूरू, और इसका कलर ऐसा जैसे सेंट बर्नार्ड का होता है देखिए। लेकिन जो 5 महीने वाला है वो अगले साल इससे बड़ा हो जाएगा साइज में, क्योंकि इसकी ग्रोथ बढ़िया है। वहाँ पे भी खेल रहा है देख। ये है मीठा ना? मीठा मीठा वैसे हमारे साइड लास्ट में खाते हैं। हाँ ये पहले हो गए शुरू। सबसे ज्यादा जैसे सुना है ना, या आपके यहाँ पे बिलासपुर अच्छा है ना, या तो कांगड़े में? अच्छा, बाकी जब इतना अच्छा नहीं होता। ये बोल रहे दोस्तों बिलासपुरी धाम और कांगड़ी धाम ही टेस्टी लगती है इनको, बाकी लगती है ना? हाँ बाकी ऐसे ही। मैंने भी खाई है कांगड़ी धाम, बहुत अच्छी होती है, पर मुझे तो बिलासपुरी ज़्यादा लगती है अच्छी है, क्योंकि हम तो बिलासपुर से हैं बचपन से, वही टेस्ट है। ये कौन सी दाल है? धुली दाल। धुली दाल हमारे बिलासपुर में सबसे ज़्यादा फेमस, सबसे पहले नंबर पे देते हैं इसको। बढ़िया टेस्ट। ये पकौड़े वाली कड़ी ना, मेरी जो नानी है ना, हाँ वो बिना पकौड़े वाली कड़ी खाती नहीं है। अच्छा, बोले कड़ी में पकौड़े होना चाहिए।
सबसे अच्छी ना फेमस कड़ी भराड़ी घाट। वो ये आपका इलाका हुआ? हाँ, हमारे इलाके में तो है माँ की दाल। ठीक है ठीक है ठीक है। आप दोनों ना कोई पहाड़ी गाना सुनाओ। मातरो देवी ये केंडा हुआ तुझे मरोना रोई लोडी डरेरी चिड़ी। मातरो देवी ये बोरी घरो बेटे पाऊने तेरी तेरी बस बस बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया ना गाना। तो बढ़िया था पर मुझे समझ में नहीं आया, मुझे केला केला ही सुनाई दिया। ये तो है आपके पास अलग है ना, बात अलग है ना। लेकिन गाना बढ़िया से जोड़ी जोड़ी आ केला केला भाई समझी मतलब क्या हुआ इसका? ए बे तेरी लाड़ी है तू है तुझसे जोड़ी है जब घर मदरो ने भाई ये बापू गुजर गई उनसे केली केली है। अच्छा समझी 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 हां समझी अब तो समझी ना ते ते बोलते भी तुझसे जोड़ी जोड़ी आ केला रे केला भाई। अच्छा अच्छा तो ये गाना तो बहुत पुराना लग रहा था। शराब की बोतल पिएगा ना मैं तभी गाओगे? तब तो बोल दे तगड़ी तगड़ी नाटी पाएगा। अरे केड़े गाने तगड़े तगड़े गाने इस टाइम ने आगे गाने कोने बिल्कुल भी आइए। हां रोटी जितनी थी ठीक है रख लेता। चार बोतलें पी गए शराब की? चार बोतलें कब? वो पीछे लोड़ी को लोड़ी में अपने गांव में जैसे भेड़ी के पास है। भेड़ी के पास ही? हाँ जी हाँ जी। फिर कहाँ जैसे थे? वो थे पढ़ाई साइड। अच्छा उसकी जावड़े के मटर भी खा दिए ज्वार खा दिए उसका वो सवेरे रोड़े लगी भी बहुत चोरी तरह। अच्छा मतलब आपको चढ़ गई फिर और भेड़ बकरी चली गई लोगों के खेतों में मटर मुटर खा लिए लोगों के? सब्जी को लगाए थे थोड़ी सी बेचारी ने। सुबह लगा बता फिर? ओ यार सुबह क्या हमने देखे नहीं फिर बाद में देखे। बटर 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 ब
क्या है? जानवर तो नहीं है? डर गई भेड़ बकरियां। क्या लगता है जानवर था? जानवर मकड़बगा तेंदुआ। तेंदुआ जब ये दोनों कुत्ता कुत्ती बड़े हो जाएंगे ना बच्चे, इनको कांटे वाले पट्टे लगा देना। ठीक है क्योंकि ना कई बार पकड़ देता हो। अब इतने शौक से पालना कुत्ता है ना, 150-200 रुपए का तो बनता है वो। किशु नहीं किशु, उसने डाला है दोनों कुतियों को। अच्छा 150-150 रुपए का बनाया था ब्रोड में। हां बनाना पड़ेगा। आज थिएटर में पहल का काम आया, पहल तो बनाया था ऐसे पहले थे। हां पहले थे अपने भी। कहां पे अभी टॉर्च लगा के देख रहे हैं ये, उस साइड देखिए। यहां वैसे भी तेंदुओं का बहुत खतरा है। तेंदुआ बहुत होते हैं यहाँ पर, कई बार हम आते रहते हैं ना, तो यहाँ आवारा बैल मार दिया, वहाँ मार दिया, यहाँ मिलता रहता हमें। ये है इनका बोक, ये देखिए सुंदरू, खा ले चपाती। रुक जा, ये ले। अभी कुत्ते के लिए डाल रहे हैं भाई खाना, और यहाँ पे ये पहुँच भी गया देखिए। साठ पैंठ किलो का सूर। हाँ एक था कोई, वो तो बच्चा ही था, कोई 15 किलो होना शायद। अच्छा एक 25 किलो का। अच्छा तीन मारे अकेले कुत्ते ने तो मान का नहीं क्या पता नहीं कैसा पता। और जैसे जंगल में कोई तेंदुआ पड़े तो पड़ जाता था वो लपड़े लेता था उसके पास। हाँ तेंदुआ के पास आ नहीं सकता, उसके पास आ नहीं सकता, उसके पास बहुत खतरनाक हुआ। आप बोल रहे थे कि आप उसके ऊपर बैठ जाते थे। मेरे को उठा देता था उस टाइम, दो मार जो कि दो की तीन मारते हैं। तीन कुत्ते मार दिए बस, यहाँ से गले से पकड़ कर फेंकते। तो वैसे कुत्ते क्यों नहीं रखते अब आप? होते नहीं वैसे तो, कहाँ से एक हुआ था भाई, वो मारना पड़ा। हाँ एक था इनके पास दोस्तों, इन्होंने मार दिया। वो मार दिया उस कुत्ते ने मुझे एक बार, यहाँ से दुड़ाया था, यहाँ से वो पार ऊपर पेड़ पे चढ़ गया था। देखा था उसको, वो था कुत्ता डेंजरस। कल रात को कितने बजे चले थे आप? हम चले थे 12 बजे रात को। रात को किया कल सफर? हाँ रात को किया हमने। सुबह कितने बजे पहुँचे यहाँ? यहाँ पहुँच गया हम 3:30 बजे पहुँच गए उन्हें। अच्छा मतलब 3.5 घंटे में। तब बैठे भी नहीं किया, आग जलाई वहाँ पर, माल रेस्ट कराया उनको, तब जाके निकाला मेरे। तो अब तो नींद लग गई होगी ना? अब तो नींद लगी है, चक्कर बारे में जी। कोई नहीं सो जाओ आप, सो जाओ। तब अब ऐसे तो चल, सोना नहीं मिला आज। सोना मिलता सब तो बढ़िया था, चल कब सब माल लेते। सोना नहीं मिला था, जिनको फिर माल चुकाना पड़े, कहाँ सोना मिले। कोई नहीं नींद पूरी करो, अब नींद पूरी कर लेते हैं थोड़ी। यहाँ पे दोस्तों इनकी फीमेल डॉग बड़ी, जिसका वो फीमेल पपी है, चलते हैं ना। बहुत लोग खाए हैं इसने, ऐसा बोल रहे थे, तो ज़्यादा नज़दीक नहीं हम जा सकते, चलते हैं अभी अपने घर।